बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। आज अल्लाह पाक ने हम सबको सुरखुर किया है कि हम वक्त से पहले, टाइम से पहले बिल्डिंग की तरफ भी जा रहे हैं और इंशाल्लाह पोजीशन की तरफ भी जा रहे हैं। अगस्त 2024 को 4 साल पूरे हो रहे थे और क्लाइंट ने उसके बाद हमसे प्लॉट नंबर और आप कह लें कि पोजीशन क्लेम करनी थी। आज हम जब खड़े हैं, ये रब का करम है, आप सबकी दुआएं हैं, आप लोगों ने यकीन किया कि हम आज साल डेढ़ साल पहले बेल्टिंग की तरफ भी जा रहे हैं और इंशाल्लाह ईद के बाद पोजीशन की तरफ भी जा रहे हैं। बेल्टिंग के ऊपर मैं जो हमारी पॉलिसी गाइडलाइन थी उसके ऊपर चंद एक पॉइंट्स आपको बताना चाहूँगा कि 60% जिन की पेमेंट्स है और जिन की लेजर्स अपडेट हैं वो सारे के सारे बेल्टिंग में शामिल हैं। ऐसे दोस्त हमारे, ऐसे क्लाइंट्स हमारे जिन्होंने 100% पेमेंट की थी और अपने लेजर अपडेट करवाए हैं तो वो हमारे प्रॉपर्टी क्लाइंट्स हैं। प्रॉपर्टी क्लाइंट को मैं ये आपको बताना चाहूँ कि हमने वो प्लॉट एलोकेट किए हैं जो सबसे बेहतरीन और सबसे फौरी पोजीशन की तरफ जाने वाले प्लॉट्स हैं। जितने भी हमारे प्रॉपर्टी क्लाइंट हैं जिनके अलॉटमेंट लेटर के ऊपर प्रॉपर्टी लिखा होगा, ईद के बाद जब पोजीशन की तरफ हम जाएंगे, वन टाइम एक दफ़ा उनको ये ऑप्शन मिलेगा कि विदाउट एनी ट्रांसफ़र फीस वो आके अपना प्लॉट चेंज भी करा सकते हैं। तो ये एक एज है जो प्रॉपर्टी क्लाइंट के पास है। बेल्टिंग के बाद सेकंड स्टेप है हमारा पोजीशन की तरफ। हम इंशाल्लाह ईद के बाद पोजीशन की तरफ जा रहे हैं। लैंड कॉस्ट के ऊपर भी हमने आपको अच्छा खासा बेनिफिट दिया है, 20% प्लस जो है वो आपका लैंड कॉस्ट के ऊपर आपको डिस्काउंट दिया है। डिवेलपमेंट चार्जेस के ऊपर भी कंपनी ने ये पॉलिसी सेट की है कि पहले 2000 क्लाइंट जो हमारे होंगे, जो पोजीशन लेंगे, उनके डेवलपमेंट चार्जेस के ऊपर हम कोई एक्स्ट्रा चार्जेस उनसे नहीं लेंगे। जो कॉस्ट टू कॉस्ट होगी वही उनसे पे किया जाएगा। 2023 इंशाल्लाह अल्लाह पाक के करम से हमारी डिलीवरेंस का साल होगा, बेल्टिंग का साल होगा और पोजीशन का साल होगा। 15 मई 2023 को इंशाल्लाह हमारा सेकंड बेल्टिंग का इवेंट होगा। हमारी पूरी कोशिश है कि हम इस पूरे साल के अंदर जितनी भी पॉलिसीज़ और गाइडलाइन बनाएं वो सारी की सारी क्लाइंट के रिलेटेड हों। और मैं आपको ये भी बताना चाह रहा हूँ कि इंशाल्लाह हमारी आने वाला हर इवेंट ज़्यादातर या तो बेल्टिंग का होगा या आने वाला हर इवेंट ज़्यादातर आपको पोजीशन का मिलेगा। सेकेंड बेल्टिंग के लिए जो क्राइटेरिया होगा, जो भी क्लाइंट 65% लेजर अपडेट करवाएगा वो सेकेंड बेल्टिंग में क्वालिफाइड होगा। सेकेंड बेल्टिंग के ऊपर हम फर्स्ट कम फर्स्ट सर्व बेसिस के ऊपर, पहले आए पहले लेजर अपडेट के बेसिस के ऊपर ही आपको अकोमोडेट करेंगे। पहले जिनके लेजर अपडेट हो गए उनको हम टॉप प्रायोरिटी पे अकोमोडेट करेंगे। हमारे जो डिस्काउंट वोचर्स हैं, जो हम क्लाइंट्स को डिस्काउंट दे रहे हैं इंस्टॉलमेंट के ऊपर, सेकेंड बेल्टिंग के बाद ये ख़त्म हो जाएंगे। तो रूडन एनक्लेव ने अपने स्कोटी फीचर्स के साथ नई फाइल इंट्रोड्यूस करवाई है। क्लाइंट के पास ओपन फाइल्स हैं रूडन एनक्लेव की किसी भी प्रोडक्ट की, वो 31 मार्च 2023 तक बाय आल मीन सोसाइटी ऑफिस में आके उसको अपग्रेड करवाएं नए विचर वाइल के साथ। कोई ट्रांसफ़र फीस नहीं है, कोई चार्जेस नहीं है, जस्ट आपने जाना है उसी वक्त आपको रसीद मिलेगी और 2 से 3 दिन के अंदर आपकी अपग्रेडेड फाइल आपको मिलेगी। जो हमारी एक इंटरेस्ट फ्यूचर इंटरेस्ट है वहाँ पर जितनी भी हमारी बाउंड्री वाल है वो हम कम्प्लीट कर चुके हैं और एग्जेक्टिव ब्लॉक के ऊपर तकरीबन 3 किलोमीटर प्लस जो है वो हमारी बाउंड्री वॉल कंप्लीट हो चुकी है। 3 प्रोडक्ट ऐसी हैं जो ऑलमोस्ट 90% फाइल से प्लॉट की तरफ कन्वर्ट हो चुकी हैं। 10 मरला, कनाल और 2 कनाल आपको अगले चंद दिनों में फील आएगा कि शायद अवेलेबल ही नहीं है। ये वो सारी चीज़ें थी जो पॉलिसी गाइडलाइन थी जो आपको देना बहुत ज़रूरी थी। अल्लाह पाक हम सबका हामी नासिर हो। पाकिस्तान जिंदाबाद, रूडन इनक्लेव पाइंदाबाद।